कोई शय नहीं, मैं का हक कहने का रब्बुल जलाल तू है, हम कहना किसी का हक नहीं। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हम का कहना उसकी शान है। देने वाला वो, लेने वाला वो तुम्हें चलाए तो तू चलता है, वो बिठा दे तो बैठता है, खिला दे तो खाता है, छीन ले तो तू कल्लाश है, सेहत ले ले तो तू बीमार है, जान ले ले तो तेरा नाम बदल जाता है, लोग तुझे मैयत कहते हैं। वही बेटे, वो बेटियां, वो बीवी, वो बच्चे, वो भाई, जिनके लिए तू मरता था, जिनके लिए तू कमाता था, जिनके लिए हराम लूटता था, जिनके लिए खयानत करता था, जिनके लिए मारा मारा फिरता था, वो ही कहेंगे देर हो रही है, उठाओ मैयत को ले जाओ दफनाओ। कहां गए तेरे दोस्त, कहां गए तेरे बीवी बच्चे, कहां गए तेरे खून के रिश्तेदार, कहां गए तुझसे मोहब्बत का राग अलापने वाले, और कहां गए जिनके लिए तू मरता था वो सब रिश्ते। अब वो रिश्ता, उसने तेरा नाम बदल दिया, पहले नाम था अल्लाह बख्श, अब कोई नहीं कहता कि ये अल्लाह बख्श बड़ा है। मेरा नाम था मोहम्मद इरफान, अब कोई नहीं कहता कि मोहम्मद इरफान बड़ा है। तेरा नाम था गुलाम रसूल, कोई नहीं कहता कि गुलाम रसूल है। जो बोलता है बेटा भी बोलता, कहता है मैयत उठाओ। अरे तेरा तो नाम भी अपना ना रहा, तेरी पहचान ना रही, अब तो तेरे घर वाले भी तुझे मैयत कहते हैं, और वो तुझे लिपट लिपट कर रहने वाले, जिनके लिए तू मरता खैरत दीन बेचता रहा, वो कहते ले जाओ मैयत को। फिर कंधों पर उठाते हैं, फिर जनाजा पढ़ के करते क्या है, जिनके लिए तूने जिंदगी गवा दी और महबूब को बुला दिया, वो तो एक गड़ा खोद कर, उस गड़े का नाम है कब्र, खोद कर तुम्हें उसमें लिटा था, ऊपर मट्टी डाल के आ जाएंगे, ऐ बंदे ये तेरा अंजाम है, ये है तेरा अंजाम। ऐ बंदे अपनी इब्तिदा को देख, अपनी इंतहा को देख, अपने अंजाम को देख, अपनी हैसियत को देख, अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिर मैं खत्म हो जाए, मैं खत्म हो जाए, इस मैं को मिटा दो, और मिटाना ही है तो महबूब के इश्क में मिटाओ, उसके इश्क में जलाओ, ताकि ये फानी मैं ऐसी मिटे, ऐसी जले कि फना बका से बदल जाए, फना बका से बदल जाए, और तुम्हें रहती दुनिया तक लोग याद।